Bismillahirrahmanirrahim. Kabe-sal-e-ikram, Habib-i-Muhterem. जैसा कि अभी आपने सुन लिया कि हमारी आज की गुफ्तगु जो है वो असरारे खुदी नमूदी के खुदी के सिलसिले में जो वर्कशॉप है उसके हवाले से है, लेकिन हमारा फोकस है मुझे बेखुदी ही होगा गो के इसको हमने नमूस असार और नमूस उनमान की तहदी किया है। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि चूँकि मुझे बेखुदी नामा की वो किताब है जो 1918 में शाया हुई, तो 2018 के अंदर आकर इसका इसके 100 साल पूरे हुए हैं, तो उस मुनासबत से हमारी ये वर्कशॉप हो कि हम एक लिहाज से 100 साल मुकम्मल होने पर इस पर कुछ इब्तदाई गुफ्तगू कर लें। और इससे पहले असरार खुदी का भी हम एक सेशन कर चुके हैं, मुझे बेखुदी का भी एक सेशन कर चुके हैं, तो आज की जो हमारी गुफ्तगू है जो यानी तौर पर 3 रोज़ा जो हमारा ये नशस्त है इसका पहला हिस्सा है उसका फोकस इस बात पर होगा कि हम मुझे बेखुदी का इब्तदाई तारफ ले सकें और इसके जो आम आम मजामी हैं उनके बारे में कुछ आगे ही हमें मुयसर आ सके। मुझे बेखुदी जब हम देखते हैं कि ये अल्लामा इकबाल ने लिखी असरार खुदी के बाद, फिर जब अल्लामा की किताब असरार खुदी शाया हुई तो उस पर जब डिस्कशन हुई और मुख्तलिफ अहल इल्म ने गुफ्तगू की, अपने ख्यालात का इजहार किया, उसे तनकीद का निशाना भी बनाया, उसके मजामीन कई तारीफ भी की, तो उसके अंदर एक नया नुक्ता ये भी सामने आया कि अल्लामा इकबाल ने जो असरार खुदी लिखी है इसमें फ़र्द को इतनी ज़्यादा अहमियत दे दी है कि शायद मिल्लत अल्लामा की निगाह से पहुँचा हुई है। इसमें क्यों ये अल्लामा ने पहुँच हुई, तो अब जब इस तरह का तबसरा उस तरह की आरा अल्लामा तक पहुँची तो उन्हें ये ज़ाहिर एक तहरीक मिली कि इस किताब कि तकमील में एक ऐसी किताब भी लिखी जाए, इस मसनवी की तसलसल में एक ऐसी मसनवी भी लिखी जाए जो फ़र्द के साथ साथ कौम के मजामीन और कौम से मुतलक जो बुनियादी तसमरात हैं, मिल्लत से मुतलक तसमरात हैं, उनका इहाता करें। यानी हम कह सकते हैं कि असरार और रुमूज दोनों मिल के फ़र्द और मिल्लत दोनों से मुतलक जो अलामा के ख्याल हैं उनका इहाता करती है और हमारे सामने बयान करती है। अच्छा, अब देखें कि अल्लामा ने सर अब्दुल कादर से गुफ्तगू करते हुए ये कुछ अर्शादात फरमाए जिनको सर अब्दुल कादर ने लिखा है कि अल्लामा साहब ने उनसे ये कहा कि मैं अब्दुर्रहमान बजदूरी की इल्मी और इस्लाहियतों का बड़ा मुतरफ हूँ बल्कि एक एतबार से ममनून भी हूँ। वह यूँ कि जब असरार खुदी शाया हुई तो बजदूरी साहब ने एक तनकीद मजमून लिखा जिसमें खुदी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस करने के बाद ये कहा कि इकबाल फर्द की खुदी पर इतना जोर दे रहा है कि इससे ये खौफ पैदा हो चला है कि शायद उसके पेश नज़र मिल्लत का वजूद है, हालांकि इंफरादी खुदी की तकमील भी मिल्लत ही में गुम होकर होती है। बजनूरी के इस मजमून के बाद मैंने ज़रूरी समझा कि रुमूजी की खुदी देखकर इस किस्म के अंदेशों का अजाला कर दूँ। मैं नहीं कह सकता कि अगर बजनूरी का मजमून न छपता तो मुझे बेखुदी लिखी जाती या ना लिखी जाती, लेकिन ये वाकया है कि बजनूरी का मजमून पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि मुझे बेखुदी का लिखा जाना बेहद ज़रूरी है। यानी ये एक लिहाज से असरार खुदी पर होने वाले तबसरे थे और असरार खुदी के मजामीन से पैदा होने वाली एक तशनगी थी जिसका इजहार अहले इल्म कर रहे थे, तो उसको पूरा करने के लिए फिर अल्लामा ने ये जो उनका तफक्कुर था मिल्लत के बारे में उन ख्याल को इंतहाई एक तंजीम के साथ एक मुलज़म सूरत में हम देखते हैं कि रमूज़ बेखुदी में अल्लामा बयान कर रहे हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि खुदी और बेखुदी का रब्त भी सामने आता है। वो रब क्या है? अच्छा, इसका इजहार अल्लामा ने खुद एक जगह किया। अल्लामा फरमाते हैं कि मैं खुदी का हामी हूँ, लेकिन उस खुदी का हामी हूँ जो सच्ची बेखुदी से पैदा होती है। और सच्ची बेखुदी क्या है? ये नतीजा है हिजरत इला हक करने का जो बातिल के मुकाबले में पहाड़ की तरह मजबूत है। यानी अल्लामा के नज़दीक खुदी पैदा होती है बेखुदी से, और उनके नज़दीक बेखुदी से क्या मुराद है? उनके नज़दीक बेखुदी से मुराद हिजरत इला हक है। अच्छा, इसी बात को अल्लामा इसमें बयान भी करती हैं कि बंदा यार पेश मौला लास पेश बातिल आज नाम बर जास। तो जो बंदा ये मोमिन होता है, बंदा हक होता है, वो अल्लाह के सामने उसकी हैसियत कुछ और होती है
और हक के सामने उसकी हैसियत कुछ और होती है, बातिल के सामने कुछ और होती है। हक के सामने वो ला होता है। अब ला का मतलब बिल्कुल नहीं, और ला का जो अपोजिट है वो नाम, हाँ एसेशन, और बातिल के सामने वो नाम होता है, यानी बातिल के सामने वो अपने वजूद को एसर्ट करता है, जबकि हक के सामने उसकी हस्ती बिल्कुल मौजूद नहीं होती। मतलब क्या है, तो उसकी अपनी सिफात, उसके की अपनी कैफियात, वो सारी की सारी सिफात हक में डलने लगती हैं। जब वो इस बेखुदी में आता है तो तब वो हकीकी खुदी को पाता है। अगर हम बेखुदी की सलाह को खुद असरार और रूज के तनाजर में देखें तो हमें यहाँ पे दो अशार मिलते हैं अल्लामा के, जिनसे हमें ये पता चलता है कि अल्लामा के नज़दीक बेखुदी से मुराद क्या है। अब अशार खुदी में अल्लामा फरमाते हैं कि हर के बादशर तुम व जोर आवर शकी अस जिंदगी मुस्ताहकम अस नफी खुदी अस, यानी जो भी जोर आवर होगा वो बड़ा शकी है, बड़ा बदबख्त है, क्योंकि जिंदगी का इस्तेहकाम तो नफी खुदी से। अब ये बात अफलातून कह रहा है जिसका अल्लामा ने तनकीद की है। फरमाते हैं ये तसव्वुर जो लोग देते थे खुदी की नफी करने का तसव्वुर और जिंदगी के इस्तेहकाम को खुदी की नफी में तलाश करने का तसव्वुर, ये लोग फिर असल जिंदगी की नफी करने वाले हैं। अच्छा, अब बेखुदी की सलाह लामा इस्तेमाल की है मुझे बेखुदी के अंदर, तू खुदी अस बेखुदी नशनाख्ती फेशरा अंदर गुमा अंदाख्ती, यानी तुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि खुदी और बेखुदी का रब्त क्या है, और ख्यालात के अंदर तवहुमात के अंदर रहते रहते तेरी खुदी हकीकत तक नहीं पहुँच सकती। यही लामा ये कह रहे हैं कि जो बेखुदी है उसके जरिए से ही खुदी अपनी तकलीफ तक पहुंच सकती है। गोया ये जो तसव्वुर था कि खुदी पे इतना जोर देना कि मिल्लत का वजूद ही नजरअंदाज हो जाए, उसका अजाला करने के लिए, इस तशनगी का अजाल को पूरा करने के लिए, इसका सामान करने के लिए अल्लामा ने जो मुझे बेखुदी की पहली बात हुई है। और दूसरी बात कि ये पर्शियन के अंदर है, और ये हैरानकुन बात है, हम इस पर बात भी कर रहे थे जब बैठे थे कि बुनियादी तौर पर जब अल्लामा ने फारसी जुबान में लिखा तो अल्लामा ने एक जगह अपने ख़त में इस बात को बयान भी किया है कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शायद मैंने फारसी में इसलिए लिखा है कि मेरे ख्याल बहुत दुनिया तक पहुँच जाए। अल्लामा कहते हैं ऐसा अर्ज नहीं था, बल्कि मैं ये चाहता था कि मेरे ख्याल कम से कम लोगों तक पहुँचे, यानी ये बिल्कुल अजीब वगैरह मामला था। वजह क्या है, वजह ये ख्याल ऐसे थे अल्लामा को इस बात का पूरा एहसास। अच्छा, अगर आप असरार खुदी और रूज़े बेखुदी को देखें तो एक बात बड़ी आराम कुछ सामने आती है, वो ये है कि इस इन किताबों के मजामीन एक अजीब व गरीब मंतकी रख, एक ऐसा नज्म है कि अब शुरा के यहाँ कभी नज्म नहीं होता, यानी कोई भी शायरी की जाती है, कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो वो कुछ सिस्टमेटिक, उससे आप कोई पैराडाइम इंफर नहीं कर सकते। अल्लामा का फलसफियाना मिजाज, फलसफियाना तरबियत, बल्कि उससे बढ़ के मैं ये कहना चाहूँगा शायद अल्लामा की बामकसद शायरी, अल्लामा के सामने एक मकसद था जिसके लिए वो ये लिख रहे थे। इस मकसदियत में, अल्लामा की शायरी की मकसदियत में और अल्लामा के शेर के इजहार के एक हदफ में उनके ख्यालात में ऐसा रब और नज़्म पैदा किया है कि आप बतदरीज चीज़ों को समझते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब उनको एहसास था कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये क्या, इससे क्या भाषवश पैदा होगी, और माशरा जिस जमूर का शिकार है, माशरा जिस जगह पे चलने का शिकार है, उसकी जो जहन रवैयों के मातहत माशरा चल रहा है, मुमकिन है कितनी आसानी से इन ख्यालात को कबूल आम ना मिले और उस पर कुछ शायद शदीद रद्द अमल आए। तो अल्लामा कह रहे हैं कि मैं तो चाहता ये था कि मेरे ख्याल कम से कम लोगों तक पहुँचे, यानी वो लोग जो समझ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेरी बातों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, रियली हकीकतन अप्रिशिएट कर सकते हैं, वही मेरी बातों को समझें। लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरक्स हो गया कि यही जो असरार खुदी और रूज़े बेखुदी अल्लामा के लिए हिंदुस्तान से बाहर हत्ता के हिंदुस्तान और यूरोप तक शोहरत का बाइस बनी, और इसकी कितनी जबानों में तर्जमा, अल्लामा की ज़िंदगी में अंग्रेज़ी में तर्जमा, और उससे फिर जो सिलसिला था वो आगे बढ़ता चला गया। तो ये इससे एक ये सारी बात जो अगर आप अल्लामा का ये जो व्यू है बयान है इसको पेश नज़र रखें, उससे ये भी पता चलता है शुरा शायरी करते हैं अपने फ़न के इजहार के लिए, अल्लामा क्या ये चीज़ नहीं है। यही वजह है कि जब वो इस रमूज़े बेखुदी में जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, बहुत सी बातें ऐसी बयान कर रहे हैं
जो मुमकिन है माशरे के लिए काबिल हजम ना, काबिल कबूल ना, लेकिन उससे इसमें इससे कोई फर्क के लोगों का इस पर क्या रिएक्ट होता है, क्या रिएक्शन होता है, जिसको वो हक समझते हैं, जिसको वो एक कड़वी दुआ आने के बावजूद इस मरीज के लिए, मरीज मिल्लत के लिए नागुजीर समझते हैं, उसको बयान करते चल जाते हैं। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि इससे उनके लिए पढ़ने वाले क्या उन्माना अजीज करेंगे, उनको इससे क्या, किस तरह लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, उनको क्या, किस रद्द अमल का, किस रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा, उन्हें लामा इससे पर कोई गुस्सा नहीं है। इससे गुस्सा नहीं होगे, जिस बात को वो सही समझ रहे हैं उस बात को वो बयान करते चले जाते हैं। जब हम इसके मजामीन को देखते हैं, असरारे कुली और रुमूज लेखदी के मजामीन को देखते हैं, तो हाजिर मोहतरम मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, इसके सारे मजामीन को हम पाँच हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। यानी हमारी कोशिश ये होगी, चूँकि वक्त हमारे पास तीन दिन है, अगर हम एक नज़म को भी एक दिन करना चाहें तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम उसके सारे मजामीन का कमाल का अदा कर सकें। तो मेरी ये तालिबाना कोशिश है कि एक दिन हम इसके इसका एक जनरल ओवरव्यू दे लें, एक पूरी किताब के मजामीन का तारफ ले लें, ताकि हमारे जहन में ये तो सफर बाजी हो जाए कि ये किताब हमें देना क्या चाहती है। इस किताब के जरिए से, जैसा कि मैंने अर्ज किया, अल्लामा एक बहुत ही नज़म अंदाज से मिल्लत के बारे में अपने अफकार को इस किताब में बयान कर रहे हैं, क्या ये किताब हम तक डिलीवर करना चाहती है, पहली बात। और अगले दो दिन में हम इसके जो अहम अहम थीम्स हैं या कुछ पोइम्स हैं, नज़में हैं, उनको हम अपनी गुफ्तगू का मौजू बना रहे हैं। जब हम इस किताब के मजामीन को देखते हैं, तो इसके सारे मजामीन को तफहीम की खातर, तफसीर आसानी की खातर, अपनी सहूलत के लिए हम पांच हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा इसका तआरुफ से मुतल्लिक है, यानी इब्तदाई कुछ चीज़ें हमें इस किताब के बारे में तआरुफ देती हैं। इसका दूसरा हिस्सा वो है जिसमें अल्लामा मिल्लत इस्लामिया के असासी अरकान बयान करते हैं, और उनके नज़दीक असासी अरकान दो हैं, तौहीद और रिसालत। और हम समझते हैं कि पूरा दीन तीन चीज़ों का बना, जिनको मानने के बाद इंसान साहिब ईमान, मुसलमान और मोमिन कहला सकता है, तौहीद, रिसालत और आखिरत। ये वो तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारी पूरे दीन की इमारत खड़ी है। मिल्लत इस्लामिया के वजूद के लिए अल्लामा यहाँ जिन दो अरकान को एक नागुज़ीर ज़रूरत के तौर पर बयान करते हैं, वो तौहीद और रिसालत है, ये दूसरा हिस्सा है। अच्छा, इसकी फिर वजाहत भी करते हैं, और वजाहत करते हुए इसके ज़ेर में जो ज़ेरी बातें हैं उनकी वजाहत करते हैं, और बाज़ बात उनकी वजाहत के लिए कुछ तारीखी वाक़ियात भी लेके आते हैं। तमहीद के बाद, इस किताब के तारफ के बाद, मिल्लत इस्लामिया के लिए दो नागुज़ीर अरकान को बयान करने के बाद, तो तीसरा हिस्सा इस किताब का हमारे सामने आता है, वो ये है, इसमें अल्लामा मिल्लत इस्लामिया के खसाइस को बयान करते हैं कि मिल्लत इस्लामिया के खसाइस क्या हैं, कौन सी खसूसियात हैं जो इसके अंदर होनी चाहिए और जिनके बगैर मिल्लत इस्लामिया को मिल्लत इस्लामिया कहा नहीं जा सकता। वो खसाइस अगर हम देखें, वो कमोबेश आठ हैं, उनका भी अल्लामा का यही असलूब है कि उसके ज़ेर में जो अल्लामा के अपने अफकार हैं उनको वो एक तरतीब के साथ बयान करते चले जाते हैं। मसलन खसाइस में क्या बातें आती हैं कि ये मिल्लत जमा व मकाम के असरात से मामला है, इस मिल्लत का एक आइन है, इस मिल्लत की एक सीरत है, इस मिल्लत का एक मरकज़ है, इस मिल्लत का एक नस्ब गैन है, इस मिल्लत की जो इज्तमाही हयात है वो जबूत का शिकार नहीं है, वो तोसी पजीर है। इस मिल्लत की हयात की जो तोसी है उसके कमाल के कुछ तकाजे हैं, और आखिरी बात यह इस मिल्लत की बका किस पे मुनासिब है, ये चीज़ें बयान कर रहे हैं। इसका जो चौथा हिस्सा है जिसको अल्लामा ने खुलासा मतलब मसनवी कहा है, उसूल अखलास की तफसील है, और ये मतलब मसनवी, यानी ये जो मसनवी भी है इसके अंदर जो मजामीन अल्लामा ने बयान किए हैं, अब अल्लामा कह रहे हैं मैं उनका खुलासा बयान कर रहा हूँ, लेकिन वो खुलासा अल्लामा ने बयान किया है सूरह इखलास की तफसीर के सूती सूरत में। अच्छा, कुरान मजीद को अल्लामा ने जहाँ भी बयान किया है दो तीन पैटर्न अल्लामा के, कहीं किसी आयत का मफहूम ले आते हैं, कहीं पूरी आयत का टुकड़ा ले आते हैं, कहीं आयत का कोई हिस्सा ले आते हैं। ये वाहिद मकाम है जहाँ पूरी एक सूरह मुबारक है जिसको अल्लामा ने अपना मौजू कलाम बनाया है, और इसकी हर आयत की तफसीर बयान की है।
और तफसीर उसी तरह बयान की है जो अलामा कसरी है, यानी मिल्लत के मुफाद को पेश नजर रखते हुए, मिल्लत के वजूद को पेश नजर रखते हुए हर आया मुबारक की तफसीर बयान की। वो जो पांचवा हिस्सा है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लामा की अर्ज़दाश्त है, अल्लामा की गुफ्तगू है, अल्लामा का अज़हार है। तो ये पांच हिस्से बनते हैं पूरी की पूरी बस्ती के मज़ामीन जिससे हमारे सामने आते हैं। जब हम तारफ से चलते हैं तो तारफ क्या है, अल्लामा का कहाँ से तारफ करवाते हैं इसका, तो पहला जो पहला जो जैसे हम मसनवी का प्रभुज़ का आगाज करते हैं तो हमें एक शेर नजर आता है जिसका किताब का इंतसार होता है किसी के साथ, इसको हम इंतसार भी कह सकते हैं कि अल्लामा किससे इंतसार कर रहे हैं इस किताब का, इसको हम अरफ आगाज भी कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अल्लामा ने ये शेर लिखकर ये बताया कि मैं सारी इंस्पायरेशन कहाँ से ले रहा हूँ और मेरा तहरीक का इस किताब को लिखने का, इस किताब के मजामीन की तहरीक का मरकज क्या है, फिर आगाज ही है, हमें एक शेर नजर आता है और ये शेर बड़ा नरम का है। ये शेर क्या है, जो हुदकुन दर बेहुदी खुद राय कर खुद रा बिछा सूज दर वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब जो मसनवी का चौथा दफ्तर है जो छः हिस्से उसमें से चौथा हिस्सा जो है, चौथा जो दफ्तर है ये उसका शेर है, और अगर आपके पास मसनवी आप देखना चाहें तो उसका ये शेर 3218 नंबर उसका शेर है 3218, यानी जो एडिशन आ रहे हैं निकलसन के स्पेशल एडिशन जो है मसनवी के, उसमें हर शेर को मैंने नंबर दिया हुआ है तो उससे शेर ढूंढना आसान होता है। यानी चौथे दफ्तर का जो 3218 शेर है उसको अल्लामा ने यहाँ पे शुरू में इस मसनवी के शुरू में उस शेर को लेके आए, उससे खराब अपनी बात का आगाज करते हैं। अब मसला यह है अल्लामा ये शेर यहाँ क्यों लेके आए, यानी अपनी बात का आगाज मौलाना रूम के शेर से करना तो समझ आती है कि अल्लामा ने मौलाना रूम को अपना मुर्शिद मान लिखा है और अल्लामा की बड़ी इंस्पायरेशन है मौलाना रूम से। अगर आप मसनवी को देखें तो लफ्ज बेखुदी मसनवी में मौलाना ने कई जगह इस्तेमाल किया है और कमोबेश 9 जगह पे, 6 जो दफ्तर है उनके अंदर 9 जगह पे बेखुदी का लफ्ज आया है, और जहां कहीं आया जा रहा है उसका एक मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट है, उसका एक मुख्तलिफ अंदाज है। लेकिन ये जो शेर है जो चौथे दफ्तर से अल्लामा ने उठाया है अपनी बात के बिलाग के लिए, इस शेर को यहां पे लाने का मकसद क्या है, अगर आप देखें तो इस शेर के अंदर जो अल्फाज मौलाना ने इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे अल्फाज अल्लामा के मुद्दा को बयान करने वाले अल्फाज हैं। मसलन पहला जो अल्लामा अमल की बात करते हैं, यानी जिद्दोजहद की बात हो रही है, कोशिश की बात, और उसके बाद बेखुदी अल्लामा की इस किताब को मानी बेखुदी है, और खुद रविया अपने आप को पा लेना अजमन बेरून मंजिलना मन बे नसीब गमराह नहीं आप, अब ये अल्लामा ये कह रहे हैं कि सब कुछ हमारे अंदर ही है, हमने अपने आप को डिस्कवर कर लिया, उसकी बात जूद दर वल्लाह यानी अगर तू बेखुदी को पाने में जिद्दोजहद कर, इसको पाने के लिए जिद्दोजहद कर तो अपने आप को पा लेगा। मौलाना जी कह रहे हैं बहुत जल्द पालेगा, अल्लाह ही हकीकत को जानता है, यानी मौलाना कह रहे हैं अल्लाह सच्ची बात जानता है, हकीकी इल्म अल्लाह के पास है, और जो अल्लाह से मुझे इल्म अता हुआ है जो हकीकी इल्म का चश्मा है इल्म का, तो मैं उसकी रोशनी में तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर तू बेखुदी में कोशिश करे तो खुद को पालेगा। अब ये सारी बातें जिद्दोजहद करना, बेखुदी का तसव्वुर, खुद को पा लेना और जल्दी खुद को पा लेना, ये सारी की सारी बातें वो हैं जो अल्लामा के माफिज़ ज़मीर को, अल्लामा के मज़मून को, अल्लामा की मंशा को बयान करने वाली हैं और वो इस शेर के अंदर हैं। अच्छा, अब जब बेखुदी की तरफ आते हैं तो अब ये जो हकायत एक अल्लामा ने बयान की, मौलाना रूम ने बयान की है, जिस हकायत के ज़ेर में ये शेर लेके आए हैं, उस हकायत का थोड़ा सा मैं यहाँ तस्करा कर देता हूँ। एक बादशाह होता है, उसका एक शहजादा होता है, तो बादशाह जब उस शहजादे की शादी करवाता है तो इत्तेफाक ऐसा होता है कि एक जादूगरनी को उस शहजादे से इश्क हो जाता है। जब उस जादूगरनी को शहजादे से इश्क हो जाता है तो वो जादूगरनी अपने जादू के जोर से अपने आप को हसीन जमील बना के उस शहजादे के सामने पेश करती है। नतीजा ये होता है कि शहजादा अपनी असल शरीके हयात रफीका हयात को छोड़ के उस जादूगरनी का आशिक हो जाता है और बादशाह बड़ा परेशान होता है
क्योंकि बादशाह का वही वारिस है, वही उसकी ममलकत को, उसके ख्वाबों को, उसके सब जो वर्षा है उसको लेके चलने वाला है। अब बादशाह बड़ा परेशान है कि अगर शहजादा इसी जादूगरनी के सहल में रहा तो फिर तो सब बर्बाद हो जाएगा। अब इसका क्या हल है? अब वो सुबह शाम अल्लाह को याद करता है, अल्लाह की बादशाह में आहुजारी करता है, फिर याद गुना रहता है कि अल्लाह कोई ऐसी सबीत करे कि मेरा शहजादा जो है जादूगरनी की जादू से उसकी दुआएं मकबूल ठहरती हैं और उसकी ममलकत में एक ऐसा जादूगर आ जाता है जो उस जादूगरनी के जादू का तोड़ कर सकता है। उससे रजू किया जाता है और नतीजा जब वो जादूगर आता है तो उस जादूगरनी के जादू को तोड़ता है और शहजादे की जब आंखें खुलती हैं तो उसको हैरान हो जाता है। आंखें खुलने के बाद वो तो एक इंतहाई करीब बदसूरत बदकिरदार और मकरूह जो शख्सियत थी उसका असीर हो चुका था और अपनी असल शरीय हयात को, अपने असल हकीकत हयात को छोड़ चुका था। जब उसको असल हकीकत का पता चलता है शहजादे को, अब उसकी ज़िंदगी नायाब हो जाती है, बादशाह भी अल्लाह की बात में शुक्र अदा करता है। अब मौलाना ये सारे हकीकत अकायद बयान करने के बाद फरमाते हैं, है बंदे तू वो शहजादा है और तुझ पर जिस जादूगरनी ने जादू कर रखा है वो ये दुनिया है। ज़ाते हक से तुझे इस दुनिया ने ओझल कर दिया है। अब तुझे एक ऐसा अफसू चाहिए, एक ऐसा बदावा चाहिए, एक ऐसा विद चाहिए, एक ऐसा तदारुक चाहिए जो तेरी आंखों से इस जादूगरी के पर्दे को हटाए और तुझे यह बताए कि तेरा हकीकी महबूब कौन है, तुझे अपनी जिंदगी किसके हवाले करनी चाहिए ये बताए और तुझे ज़ाते हक से आशना कर सके। अब यहां मौलाना कहते हैं कि वो हस्तियां जिनके पास तेरे इस मर्ज का इलाज है वो अंबिया हैं, जो हकीकी जो रोशनी है जिंदगी की वो लेके आए हैं और जब तू उनकी तरफ रजू करेगा तो तुझे दुनिया की हकीकत का पता चलेगा और तू दुनिया की हकीकत से निकल सकेगा। अब उसके बाद फिर मौलाना जो हकीकी साल के राह यानी तराश हक का जो राह है उसके बारे में बताते हैं कि जब वो अपने आप को ज़ात हक के सुपुर्द करता है तो फिर उसके ऊपर अपने ज़ात के अपने कमालात का इंकशाफ होने लगता है। फिर वो कहते हैं या बंदे तुझे ये चाहिए कि तू इस बेखुदी की तरफ आ, यानी ज़ात हक के सामने अपने आप को बेखुद कर तो तू अपने आप को पा लेगा। यानी ये वो तसव्वुर है जो हमें मसनवी में मिलता है और सूफिया के यहाँ देखें इस तरह का तस्वर आपको अकसर से मिलेगा। जैसे अतार के यहाँ अतार कहते हैं शुरू ही में शायद मंदिर को तैयार है कि तू मवाश असन कमाली नस्तु तू दरू गुम शो विसारी नस्तु और बाज नुस्खों में हमें यह भी मिलता है कि तू दरू गुम शो विसारी नस्तु बस गुम शुदम गुम कुन कमाली नस्तु कि तू अपने आप को ज़ात हक के सामने इतना फना कर कि तेरे अपने औसाफ जो हैं वो ज़ात हक के औसाफ से बदल जाएं। इसको विसाल कहते हैं, इसको कमाल कहते हैं। विसाल और कमाल कुछ सफ़र करने का नाम नहीं है, यानी आपके जो ये पैकरे खाकी है इसमें कोई गैर मामूली तब्दीली नहीं आ रही बल्कि ये सारे का सारा ख्याल का और शऊर का सफ़र है। और ख्याल और शऊर के सफ़र का मतलब क्या है कि आप अपने ख्याल के अंदर और अपने शऊर के अंदर अपनी हस्ती को ज़ात हक के सामने नेस्ती में बदलते हैं और फिर जो आपकी हस्ती उसके बाद वजूद में आती है वो औसाफ़ हक का इनेकास होती है, उसे औसाफ़ हक की रिफ्लेक्शन होती है, उसका नमूना होती है। तो उससे फिर आपका जो है आगे कमाल का आगाज होता है और वसाए हक का मतलब ही यही है। तो ये पूरी की पूरी हकायत है जिसको मौलाना ने बयान किया है, उसके अंदर फिर आते शेर को लेके आए। और चूंकि इस शेर की जो लफ्जियात है इसके अंदर जो लफ्ज हैं और जिस अंदाज से इस शेर का माना हमारे सामने आता है वो अल्लामा के मतलब के लिए मुफीद मतलब है जो अल्लामा शेर को यहाँ पे लेके आए हैं। अब एक और बात जो अल्लामा के यहाँ में मिलती है ये है कि अल्लामा ने पुरानी जितने भी इस तरह हाथ को उठाया, पुराने तसव्वुरात को उठाया, पहले मिस्रों को उठाया तो उसमें कुछ अपना भी इजाफा कर दिया। वो क्या बेखुदी? अब यहाँ अल्लामा जो लफ्ज़ बेखुदी लेकर है उसमें एक इजाफी चीज़ भी है। वो क्या है? अल्लामा ये कह रहे हैं कि खुदी का ताल्लुक मेरी ज़ात के साथ है और बेखुदी का ताल्लुक मिल्लत के साथ है। यानी जब मिल्लत का वजूद सामने आए जो हमारे इनफरादी कमालात हैं वो उस वक्त मेजर फॉर्म में हमारे सामने आएंगे जब हम उनको मिल्लत के साथ अपने आप को जोड़ चलेंगे।
मिल्लत के मकासद के साथ हम काम करते चलेंगे। अगर हम अपने आप को मिल्लत के मकासद से आइसोलेट करके रखेंगे तो फिर कभी भी हम अपने आप को, अपने मकासद को किसी कसौटी पे जांच नहीं सकेंगे, किसी मियाद पे जांच नहीं सकेंगे। आप देखें जैसे जावेद नामा के आखिर में अल्लामा फरमाते हैं कि तीन गवाहों के सामने तुमने अपने आप को पेश करना है। पहला गवाह तुम्हारी अपनी ज़ात है, दूसरा गवाह दूसरे का शऊर है जो तेरे सामने है, और तीसरा गवाह ज़ाते हक़ है। अगर तू इन तीनों गवाहों के सामने अपने आप को कामयाबी से बहरवर कर ले, इनके मियाद पे अपने आप को पूरा साबित कर ले, तो फिर तू ये कह सकता है कि तू अपनी खुदी की तामीर के सफर पे गामजन है। अब वही बात यहाँ है कि मिल्लत का वजूद जब हम अपने आप को उससे हम अहम करते हैं, तो जैसे पहले शेर में हमने अल्लामा का तसव्वुर देखा, हम गुमान से निकलते हैं, तवहमात से निकलते हैं, जो हमने अपनी ख्याली दुनिया बसाई होती है उससे निकलते हैं, और जो बजाम खीश हमने अपनी खुदी की कोई इरतका की मंजरें तय की होती हैं, अपनी खुदी में अपनी इनफरादी ज़ात में कुछ कमालात हासिल किए होते हैं, तो उन कमालात को आप ये समझिए कि एक जांच में डालने का हमें मौका मिलता है, एक टेस्ट में डालने का मौका मिलता है, एक आजमाइश में डालने का मौका मिलता है, उससे मिल्लत के मकासद भी पूरे होते हैं और हमारी ज़ात के नकायस भी तकमील की तरफ आते हैं। तो ये वो मकासद हैं और ये वो पस मंज़र है जिसमें हमें ये शेर इसके आगाज़ में मिलता है कि इस शेर के बाद अल्लामा अपनी बात